नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है रक्तदान शिविर। आपको बता दें कि आज हल्द्वानी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष और हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी मौजूद रहे, जहाँ उन्होंने सभी से रक्तदान करने की अपील की। हल्द्वानी के एसएसपी ऑफिस में तैनात होमगार्ड जवान की बरसाती नाले के तेज बहाव में बहने से कारण मौत हो गई, जिसके बाद से उनके पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 8 बजे वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, ऐसे में भारी बारिश के चलते अचानक नाला उफान पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से जवान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने होमगार्ड जवान महेश पलड़िया के शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हल्द्वानी की डौली रेंज टीम ने अवैध खनन से लदा हाइवा ट्रक को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें 250 क्विंटल आरबीएन लदा हुआ था। ट्रक को लालकुआ रेंज परिसर में लाकर सीज कर दिया गया है। प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि ट्रक में बिना रॉयल्टी के 250 क्विंटल आरबीएन ले जाया जा रहा था। ऐसे में बताया जा रहा है कि वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं रेंजर अनिल जोशी ने बताया कि वाहन में अवैध रूप से ले जा रहे वन उपज के प्रकरण की पूरी जाँच की जा रही है। हल्द्वानी में वायरल फीवर के साथ ही डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। मौसम के बदलाव के साथ मौसमी बीमारियां होना आम बात हो गई है। ऐसे में आज हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती 4 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एसटीएच में भर्ती एक मरीज चंपावत का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त 3 मरीज हल्द्वानी और आसपास के निवासी हैं। इस दौरान डॉक्टर ने लोगों से पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने और आसपास गंदगी नहीं करने की अपील की है और डेंगू के लक्षण आने पर डॉक्टर से सुझाव लेने की भी बात कही है। हल्द्वानी के मुखाने थाने में एक परिवार ने दहेज के नाम पर उनकी बेटी की हत्या किए जाने का मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि 6 साल से विवाहित महिला का शव उसके ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के नाम पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि उनकी बेटी के ससुराल वाले कई बार दहेज की मांग कर चुके हैं, साथ ही बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी और अब दहेज ना देने पर उसे मार दिया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसका ताजा उदाहरण लालकुआ में देखने को मिला, जहां ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस की बिल्डिंग भारी बारिश के चलते गिर गई। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का एक बड़ा हिस्सा गिरा। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तहसील चलती थी, जिसे पुरानी तहसील के नाम से भी जाना जाता है। हल्द्वानी में बीते 24 घंटों से झमाझम बारिश हो रही है। जिला आपदा कंट्रोल रूम के मुताबिक शनिवार सुबह तक हल्द्वानी क्षेत्र में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। साथ ही सुबह से हल्द्वानी के सभी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। हवा चलने से ठंड भी महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर तक बारिश की संभावना है, जिसके चलते तापमान में भी कमी देखने को मिली है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।